मसूरी में स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें देश भर की करीब 60 टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें पुरुष में भरोसा फाउंडेशन गुड़गांव और महिला में अभिनव हॉकी एकेडमी प्रयागराज ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर खेल दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही गणेश जोशी ने नेशनल स्तर की सफल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन को धन्यवाद भी दिया है। जिन्होंने हॉकी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, लगातार 3 बार ओलंपिक में भारत ने जीत हासिल की, स्वर्ण पदक लिया, और उनकी स्मृति को हमारी सरकार खेल दिवस के रूप में मनाती है। आज मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन उनकी स्मृति में ये हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मुझे बताया गया कि 60 से अधिक टीमें यहाँ पर आई हैं, और एक समय था कि मसूरी के 6 खिलाड़ी जो है भारत की टीम में खेलते थे, अपने आप में गौरव की बात है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया, पहले तो मैं जो अपने मेरे साथी हैं मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सूरज सिंह रावत और सौरभ सोनकर और संरक्षक अनुज तायल जी और इन लोगों के सहयोग से ये टूर्नामेंट यानी कि बहुत बड़ा हुआ, जिसमें देश के यानी कि 60 टीमों ने भाग लिया है। और यानी कि 3 दिन से लगातार बारिश में भी यानी कि मैच होते रहे, तो मैं उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। हमारे साथ संवाददाता पुष्कर सिंह जुड़ गए हैं। पुष्कर, हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया राष्ट्रीय खेल दिवस पर, किस तरह का ये आयोजन रहा और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए ऋतु, तमाम सारे जो खेल प्रेमी हैं, खेल को जो बढ़ावा देने के लिए जो उत्तराखंड सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है, तो मसूरी में जो है जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया तो उसको लेकर 3 दिन का यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारी टीमें यहाँ पे भाग ले रही थी। उसके बाद जो है बारिश में भी आपने देखा होगा किस तरह से जो वहाँ के अध्यक्ष हैं या वहाँ की जो कमेटी है, स्पोर्ट्स की जो कमेटी है, तमाम सारे खिलाड़ियों का यहाँ पे आना, और बारिश में भी खेल भावना को जिस तरह से यहाँ पे खेला गया है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस एक भव्य रूप से पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है। चाहे आप देहरादून की बात करें या आप मसूरी की बात करें या आप उधर से आप नैनीताल या हल्द्वानी चले जाइए या आप हरिद्वार चले जाइए, तो तमाम सारे स्कूल से लेकर कॉलेज में लेकर तमाम सारे या ये हम ये कह सकते हैं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जिन जिन लोगों ने अपने खेल में योगदान दिया है उनको सम्मानित भी किया गया, और लगातार जो उत्तराखंड सरकार भी चाहे वो हॉकी हो गया, क्योंकि अब मसूरी एक ऐसा शहर है ऋतु की यहाँ से जो है हॉकी जो हमारी भारतीय हॉकी टीम थी यहाँ पे 6 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग भी किया, तो मसूरी को लेकर जो है यहाँ पे तमाम सारे खेल आयोजक जो है यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे जो है कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम किया गया। ध्यानचंद्र का जिसको हम एक राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे हुए थे इनको जो सम्मानित भी किया गया, तो कहीं ना कहीं हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल के नाते जो है मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, तमाम सारे जिलों में जो है इसका भव्य आयोजन किया गया। अगर मैं जनपद चमोली से लेकर और आपका जो है उधम सिंह नगर की बात करूँ तो पूरे उत्तराखंड में जो है इस राष्ट्रीय खेल को जो है सद्भावना के रूप में मनाया गया और खिलाड़ी को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है। ऋतु बिल्कुल पुष्कर जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है और ऐसे में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करना बेहद ही खास मौका रहा। साथ ही लगातार सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि खेल के क्षेत्र में प्रदेश से और भी ज्यादा युवा सम्मिलित हों और भी ज्यादा बढ़ावा आप खेलों को दे सकें। आप बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आयोजन किया जिसमें देश भर से 60 टीमें शामिल हुई और जो खिलाड़ी विजयी हुए, जो टीमें विजयी हुई उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए गए।